शौकत मसूदी साहब हमारे यहाँ पे अकलियत के चेयरमैन रियाज मीर साहब क्राइम दुनिया में होती है और क्राइम कब करने में है कम रखने में अपना भरपूर रोल निभाया है करके उन दरिंदों को सलाह उनके पीछे इससे बड़े किसी अप्रिसिएशन की जरूरत पुलिस तो उनके खिलाफ है ही नहीं है ही हमें भी बहुत बहुत शुक्रिया देनी चाहिए कि इनकी वजह से जो हमारे जितने भी मसाइल यहाँ पे थे चाहे वो किसी भी रिलेटेड थे मसले हल हुए और वो इज्जत मिलती है जो मिलनी चाहिए हर एक सिटीजन को। आज कोई डरता नहीं है पुलिस स्टेशनों में जाने से क्योंकि आज पुलिस स्टेशन में भी लोग और पुलिस के दरमियान एक अच्छा रिश्ता है और हमें दाद देनी चाहिए क्योंकि ड्रग्स में जब शुरुआत हुई वहीं छेड़ी गई है ये एनफोर्स डिपार्टमेंट हो या सिविल हो उनको दाद देनी चाहिए कि जिनकी वजह से ही खत्म होते थे। साथ साथ हमारे एसएसपी साहब नहीं आए हो सकता है उन दिनों या उन जगहों पे इनका आना ये पॉसिबल नहीं हुआ लेकिन आज इसको हम वेलकम करते हैं तहे दिल से आप लोगों की तरफ से भी और ट्रेड फेडरेशन वाले उनके बड़े बड़े रोल होते हैं वो कभी लेकिन मैंने उनको भी कहा कि एहतियात बरतो तभी हमारी इज्जत है एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको दावत देता हूँ कि वो राइस पे आकर इलाके के ख्याल से बातचीत करें प्लीज सोलेहात वतवासौ बिल हक वतवासौ सलाम। रेस्पेक्टेड एसएसपी कुपवारा एडिशनल एसपी कुपवारा डीएसपी जो नए आए हैं रफीक अहमद रत्न साहब थाना दिवस का जो मोटिव होता है उस मोटिव में जो है जो हमारे चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं या हमारे जो बाकी एक्टिविस्ट्स आते हैं या बाकी जो आम लोगों के जो जनरल इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे जो है अपने इश्यूज रेज करते हैं और उसमें जो है क्योंकि अभी तक पिछले 3 साल से ये चल रहा है। एक बात का एहसास और खुशी भी है कि जैसे फयाज सुनील साहब ने अभी सोनुल्ला साहब ने या जितने भी हमारे साथी यहाँ बोलने वाले थे शौकत मसूदी साहब थे रियाज मीर साहब सब ने पुलिस की तरफ से वो बात कही कि जो मुझे भी कहनी चाहिए थी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी बात अब समाज इस तरीके से बदल रहा है कि ये बातें सुनने को मिल रही है और ये बातें आपसे ही शुरुआत हो रही है। बड़ी तरह तरह किस्म की परेशानियां भी आती हैं आपको भी आती हैं हमें भी आती हैं जिनका कहीं ना कहीं बैठ के ही अजाला हो सकता है और वो कोशिश रहती है कि जैसे हमारे यहाँ पे बटपुरा के साथी जो हाजी शौकत साहब ने कहा कि कुछ ऐसे काबले राजीनामा अगर कानून में भी एक प्रोविजन है एक प्रावधान है तो मुझे लगता नहीं कि हमें भी कोई ज़्यादा उसमें शौक होता है कि हम आपकी सलाह से अगर कोई मसला हल हो रहा है आपके इंटरवेंशन से अगर कोई मसला हल हो रहा है तो हम उसमें और ज़्यादा मुदाखलत या सख्ती या अपना रोक जमाने की कोशिश करें और मेरी हिदायत रहेगी पुलिस से भी कि ऐसे मामलों में जितने भी सिविल सोसाइटी के या वहाँ के मुंतखब जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके और उनको हर मसलों को वहाँ पर ही निपटाया जाए। ख्वातीन भी होनी चाहिए अगर पुलिस ने उनको बुलाया और उनके बदले कोई और आया मुझे लगता है ये ट्रेंड खत्म होनी चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा देखिए ये खसूसी तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस के हमारे जो सरबराह हैं उनकी हिदायत पे हर थाना और हर चौकी में वीरवार के दिन एक अल्टरनेटिव वीरवार जो है उस पर थाना दिवस मुनक्किद करने का जो हिदायत है और उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ कुपवाड़ा थाने में जो है थाना दिवस जो है वो रखा था। आपने देखा कि काफ़ी लोग आए कुछ ने पुलिस के मुतालिक जो हैं कुछ अपने इश्यूज़ उठाए कुछ इश्यूज़ जो थे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक भी थे और काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुई।
ये एक मकसद तो ये है कि थाना पुलिस का बुनियादी, जो मैं बताता चलूँ कि जो हमारे खिलाफ़ हमारे महकमे के ख़िलाफ़ लोगों को कुछ शिकायत है उनको ज़रूर हमारे नोटिस में लाना चाहिए, ताकि हम उनका अजाला करने का जो एक तो है इकदाम कैसे उठाए जाएँ और उन पर या तो अगर कोई एक्शन प्लान बनाना है तो उनको कैसा बनाया जाए और उन पे काम करने की हमारी एक कोशिश रहती है। और दूसरा, अगर वैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि ब्लॉक दिवस मनाती है और मुझे लगता है कि वो इश्यूज़ वहाँ पे उठने चाहिए, लेकिन फिर भी बहरहाल यहाँ पे हम लोगों को बोलने से नहीं रोक सकते। जो मुतालबात सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत यहाँ पे उठे हैं उनको हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की नोटिस में लाएंगे और वो कंसर्न महकमे को हिदायत भी देंगे कि उन पे कुछ काम करें। सर, क्या हम एक्सपेक्ट करें एक रिहर्सल कमेटी तशकील दी जाए आपकी जानिब से, जितने भी मसले आपके डोमेन में आते हैं उस पे भी काम किया जाए, जिससे सीरिया साहब देखिए हमारा बड़ा एक रोबस्ट सिस्टम है रिड्रेसल का, कि हमारे जो भी कंप्लेंट को इंक्वायर करने के जो लिमिटेशन डेज की है वो दी गई है कि किस लेवल की कंप्लेंट को कितने दिन में ख़त्म करना है, ये कानून में भी है और कुछ हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनके तहत हम बिल्कुल वक्त देते हैं कि एक अफसर को या किसी भी मुतहद को कि भाई वो इतने दिनों में उस कंप्लेंट का अजाला करेगा। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं वो इन प्लेस हैं, सिर्फ लोगों तक एक अवेयरनेस की भी और भी ज़रूरत है कि वो लोगों तक पहुँचे कि वाकई में कोई भी अगर अपनी कंप्लेंट दायर करना चाहता है उसको कोई भी मनाही नहीं है, वो तो इंक्वायरी करने के बाद ही पता चलेगा कि उसकी कंप्लेंट में कितनी सच्चाई है या कितने और उसके इश्यूज उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कंप्लेंट करने से कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। सर, पिछले मुकाबले इस साल ड्रग्स के बारे में हुआ कहते हैं कि उस हद तक ठग का कारोबार जो है वो उसकी कदम लग गई है। आज जो यहाँ पे स्पीकर थे या जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी ड्रग पे ही बात की, तो इस साल को आप ड्रग की नज़र से कैसे देखते हैं, क्या कमी आई है? देखिए लास्ट ईयर हमने लगभग 33 लोगों को जो जिसको हम NDPSA का एक प्रोविज़न है उसको PSA नॉर्मल उसमें अगर कॉमन भाषा में हम बात करें तो बोलते हैं 33 लोगों पे किया था। इसके अलावा जो FIRs वगैरह लगे थे वो एक अलग इशू था। इस साल में हमें उम्मीद है कि एक तो वो 33 लोग तो अभी उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो जेल में ही हैं, इस साल और भी कार्रवाई जो ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं उन पर करेंगे। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीज़ भी की है, मैं आपको बताता चलूं कि एक ड्रग स्मगलर हैं उनकी हमने 2 कनाल और 18 मरले ज़मीन जो है वो सीज़ की हुई है, जब्त की हुई है, कईयों की गाड़ियां जब्त की हुई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मकान और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं खासकर ज़मीन और मकान ऐसी जायदाद जो है वो जब्त किए जाएंगे। काफ़ी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई हमने ऑलरेडी हिदायत दी हुई है हमें और उस पर काम भी किया जा रहा है। आप देखेंगे कुछ दिनों में कि हम बाय नेम बताएंगे कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी जो है वो सीज। सर, मंशियात को छोड़कर और क्या बिगेस्ट आप लोगों के सामने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सामने? देखिए कुपवाड़ा चूंकि बॉर्डर ज़िला है और यहाँ पे हमेशा दुश्मन की कोशिश रहती है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके नए लोगों को, क्योंकि हालात बहुत अमन के हैं और यहाँ पे हालात को बिगाड़ा जाए, उसमें हम सभी आप हैं सिविल सोसाइटी के जितने लोग हैं और जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट लास्ट में वही होंगे और उन सब का फ़र्ज़ है कि ऐसे एलिमेंट्स को या तो निशानदेही की जाए या किसी भी तरीके से पुलिस या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस तक उनकी जो खबर है वो दी जाए, ताकि उसको हम एक ऐसे वक्त पे रोक पाएँ कि जहां जब हालात हमारे काबू में ही रहें। इतना नहीं होना चाहिए कि हालात काबू से बाहर हो जाएं और फिर हम सारे इकदामात उठाने लगें। पीस है तो पीस ही रहे और उसके लिए जितनी भी हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज रहती है कि यहाँ पर पीस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। सर, ब्लाइंड मर्डर्स आपने हिस्टोरिक जो है गुलगाम का वकवा जो है ये लगभग शायद 4 या 5 साल पहले हुआ था और इस पर क्राइम ब्रांच जो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज की डेट में मैं आपको उस तफ्तीश के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उसका जो स्टेज है वो कहाँ पहुँचा है और मुझे उम्मीद है कि वो भी उसी अच्छे मतलब रिलीजियसली अपने जो उनके इख्तियार थे उनके तरीके से काम कर रहे होंगे और जो भी उसमें सच्चाई है उसको सामने लाए। चेयरमैन साहब से कि वो इसका जवाब दें, क्योंकि
ये SSP साहब ने और आपने भी मेरी ला, हमने उसकी जो है उसकी टेंडर हो गई है अभी 4 दिन पहले, और मैं आपको SSP साहब के सामने विश्वास देता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, एक तो इसका रोड भी साइड में बन रहा है, इसको हमने 22 लाख रुपये रिलीज़ की है, और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हम सीढ़ियाँ भी ठीक करेंगे, और दूसरा जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी साइड में एक रोड का हमने जो पैसा रिलीज़